गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा की रचना और संगठन पढ़ा था। इसमें हमारे राज्यसभा के दो बिंदु रह गए थे, उनमें मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ। थर्ड है सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। लोकसभा को का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं कर सकते। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और वो है 6 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको हर 2 वर्ष बाद, उसमें 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्यों को हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति के लिए भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। तो सभापति और उपसभापति हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। अब आगे आपका आता है संसद के कार्य तथा शक्तियाँ, जिसमें पहली शक्ति आती है विधायी शक्ति। देखिए, संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह है, संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। यानी संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या हुआ, कानूनों का निर्माण करना। संसद को संघीय सूची और संवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। 3 सूचियां होती हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में से संसद को संघीय सूची और संवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होता है। यद्यपि संवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि जो संवर्ती सूची है इस पर संघीय सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के ही कानूनों में अगर कोई मान लीजिए पारस्परिक विरोध उत्पन्न होता है, देखिए आगे, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। अगर इन दोनों में जो कानून निर्मित किए गए हैं दोनों के द्वारा, अगर उनमें कोई पारस्परिक विरोध है तो संसद द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होता है। दूसरा आता है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी हमें अभी हम संसद की शक्तियां ही पढ़ रहे हैं, जिसमें संसद के पास जो पावर है वो ये है कि अगर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखना है तो वो संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। यानी ये संसद की एक पावर हो गई। आगे, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग में अकेले संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि दोनों सदन ही संविधान में संशोधन का कार्य करते हैं, लेकिन उनके लिए संख्या कितनी होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि संविधान के अधिकांश भाग में अकेले संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। यानी संविधान का कुछ भाग ऐसा है जिसमें संसद सामान्य बहुमत से या फिर पृथक पृथक दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से इसमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन संविधान की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी भारत में जितने राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के बाद ही वो संशोधन किया जा सकता है। अगला बिंदु आता है वित्तीय शक्तियां। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट जब तक संसद से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। यानी वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है और जब संसद उसको स्वीकार कर लेती है उसके बाद ही आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य किया जा सकता है। अब हमने संसद की 3 शक्तियां पढ़ ली हैं, अब आता है प्रशासनिक शक्तियां। भारतीय संविधान के द्वारा संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी हमारे भारत में संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अब इस संस्थात्मक व्यवस्था के अनुसार
संविधान ये कहता है संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जहां संस्थात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर संघ की कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी अगर हम कहें तो व्यवहार में वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, यानी जब तक उस लोकसभा में उसका विश्वास बना रहेगा तब तक वो अपने पद पर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग है, यानी संसद के जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब मैंने यहाँ बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और यहाँ पर आ गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। मैं निर्वाचित सदस्यों और मनोनीत सदस्यों के बारे में कल आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट आता है विविध शक्तियां, जिसमें पहला है संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पद से हटा सकते हैं। यानी इसमें ये कह रहे हैं, वहां पर हमने पढ़ा था निर्वाचन संबंधी शक्तियों में कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्य होते हैं वो, यानी राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है या हटा भी सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर उसे पद से हटा सकते हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति को और इधर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। इसमें ये कहना चाहता है कि अगर संकटकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई है तो उसको अगर प्रभाव में रखना है तो घोषणा के एक महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन उसका आवश्यक हो जाता है, दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लोकसभा की शक्तियां या फिर अधिकार या फिर कार्य। पहला आता है इसमें विधायी शक्ति। देखिए जो हमने अभी पहले पढ़ा था उसी से संबंधित है इसमें आगे भी विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। पहले भी यही बताया था मैंने कि तीन सूची बताई थी, संघीय सूची, संवर्ती सूची, एक राज्य सूची बताई थी। इन तीनों ही सूचियों में से संघीय सूची, संवर्ती सूची पर लोकसभा कानून बना सकती है। कुछ विषय और होते हैं जो इन तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं होते, जिन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। कुछ परिस्थितियों में यानी इन विषयों पर लोकसभा कानून बना सकती है, लेकिन जो तीसरी सूची है जिस पर जो राज्य सूची है उस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी लोकसभा कानून का निर्माण कर सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि लोकसभा की जो विधायी शक्ति है वो कहां तक विस्तृत है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। अब ये क्या बता रहे हैं आपको कि साधारण अवित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इनके बारे में ये बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से ये किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां लोकसभा की पावर अधिक होती है। अब इसमें यह बता रहा है कि इन दोनों ही विधेयकों से संबंधित इन दोनों की जो पावर है वो सेम है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में ये प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका वित्तीय शक्तियां। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। अब मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें लोकसभा को थोड़ी पावर ज्यादा मिली हुई है, वो बता रहे हैं आपको। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत या प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
धन विधेयक के बारे में बता रहा है आपको कि ये कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। यानी यहाँ लोकसभा की पावर ज्यादा हुई, लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। यानी जब इसको लोकसभा पारित कर देगी उसके बाद ये राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। यानी इस संबंध में शक्ति जो ज्यादा मिली हुई है वो लोकसभा को है, क्योंकि ये प्रस्तावित सबसे पहले लोकसभा में होगा, लोकसभा जब इसको पारित कर देगी उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा इस पर 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकती है, और उसके बाद उसे पुनः लौटाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। ये मैं अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था की गई है, और उसके अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मैंने अभी भी बताया है, और व्यवहार में हम कहें तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। यानी दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। इसको भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पूरा मैंने क्लियर किया था। नेक्स्ट आता है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार बताया गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ये भी हम थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं।